यस टेंथ क्लास देखिए, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, क्या करने जा रहे हैं हम? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, राइट बेटा? सो दिस इज चैप्टर नंबर 7 एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके बेटा, तो ये हम करने जा रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करने जा रहे हैं। ओके बेटा, सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 1। 4 points 2, 3 एंड x 0 डिस्टेंस इज 3। दो पॉइंट हमें दिए हैं, उनके बीच की डिस्टेंस 3 मीटर दी है, सो वी हैव टू फाइंड आउट x। ओके बेटा, सो आपको मालूम है डिस्टेंस फॉर्मूले का। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यहाँ x1 x2 है, यहाँ x1 y1 है, यहाँ पे x2 y2 है। ओके, सो हमने वही पुट कर दिया, x माइनस टू का होल स्क्वायर, 0 माइनस थ्री का होल स्क्वायर एंड डिस्टेंस इज गिवन टू बी 3 एंड देन वी हैव ओपन द स्क्वायर। और स्क्वायर ना भी खोले तो भी चल जाता है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस वी आर गेटिंग एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 एंड स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करने से ये 9 बन जाएगा और ये रूट हट जाएगा एंड व्हाट वी आर गेटिंग एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये 9 घटके फिर से 4 बना देगा और ये दोबारा से x माइनस 2 होल स्क्वायर बन जाएगा। ओके बेटा, सो व्हेन वी आर सॉल्विंग दिस एंड वी विल गेट x इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू क्या आई? 2 आई। और अगर हम यहाँ पे और मैं आपको करके दिखाती हूँ, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 को भी ऐसा ही छोड़ देते तो आता हमारे पास 9 इज इक्वल टू स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या आता? तो आता x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9, 9 से 9 कट जाता, ये अल्टरनेट मेथड बता रही हूँ, x माइनस 2 होल स्क्वायर विल बी 0 आता और x आ जाता हमारा 2, ये आंसर होता। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, दिस इज द अल्टरनेट मेथड, तो आप खोल भी सकते हैं और इसको इसी तरीके से भी कर सकते हैं। ओके बेटा, यस टेंथ क्लास, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2। द फिगर फॉर्मड बाय द पॉइंट्स ए बी सी, क्या क्या पॉइंट है? ए ए माइनस ए माइनस ए एंड देन माइनस रूट 3 ए प्लस रूट 3 ए, ये 3 पॉइंट दिए हैं और कहता है कि इन 3 पॉइंट से जो भी फिगर बनने वाली है उसके बारे में बताओ कि किस तरीके की ट्राइंगल बनने वाली, नो ट्राइंगल नहीं कह सकते कि ट्राइंगल ही बनेगी, तो देखते हैं 3 पॉइंट से तो वैसे ट्राइंगल ही बनती है। ओके बेटा, सो अब हम क्या करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ए बी, बी सी एंड सी ए, 3 पॉइंट से तीनों की डिस्टेंस निकालेंगे। जब ए बी डिस्टेंस निकालेंगे तो देखिए, ए माइनस ऑफ माइनस ए प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस ऑफ माइनस ए का होल स्क्वायर, सो वी आर गेटिंग 2a, 2a का 4a स्क्वायर एंड 4a स्क्वायर, देन इट इज कमिंग आउट टू बी 8a स्क्वायर अंडर द रूट और ये बन जाएगा 2√2a। ओके बेटा, अब बीसी देखिए, बीसी के लिए माइनस ए माइनस ऑफ माइनस रूट 3a प्लस रूट 3a होल स्क्वायर हो गया, माइनस ए माइनस रूट 3a, अब इनके होल स्क्वायर्स को खोल दिया मैंने, कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अगर साइन माइनस है तो माइनस लगा दीजिए बीच में। ओके बेटा, सो दिस का स्क्वायर माइनस 2 दिस एंड दिस, ओके ऐसे ही इसमें लगा दी हमने, सो आफ्टर सॉल्विंग इट दीज टर्म्स आर गेटिंग कैंसल्ड, क्योंकि ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है तो ये कट गए, सो वी आर गेटिंग 2a स्क्वायर प्लस 6a स्क्वायर, दैट इज 8a स्क्वायर अंडर द रूट 2√2 इज इनटू a, ये आ गई हमारी bc। ओके बेटा, ए बी निकाल ली, बी सी निकाल ली, अब ए सी देखिए, ए सी ए ए माइनस ऑफ माइनस रूट 3a प्लस रूट 3a होल स्क्वायर, ए माइनस रूट 3a ये लगा दिया हमने और वैसे ही हमने आइडेंटिटी लगा करके स्क्वायर को खोल दिया है फॉर्मूला लगा के, फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर प्लस 2ab, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, माइनस माइनस आ गया तो माइनस 2ab। ओके बेटा, सो ये आपको आना चाहिए, 6th क्लास से 8th क्लास से काम शुरू हो जाता है आइडेंटिटीज का। ओके, सो 2a स्क्वायर प्लस 6a स्क्वायर अंडर द रूट, देन दैट इज कमिंग आउट टू बी 8a स्क्वायर एंड 8a स्क्वायर आपको मालूम ही है क्या होता है, 2√2, देखिए 2 2 4 2 8, 8 अंडर द रूट बन गया 2√2a। सो
what we are getting, ab i r 2 root 2 a, bc i r 2 root 2 a, and ac i r 2 root 2 a. So all the sides are coming to be equal. This is equal to this is equal to this. So it is going to be an equilateral triangle. Okay beta. So it was a very simple question, only distance formula was used here. और उसी को ध्यान से लगाना है और एक इस आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं. अगर आपका बेस स्ट्रांग है तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है आपके लिए. ओके बेटा. यस बेटा, टेंथ क्लास. देखिए क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ ए बी सी. यस, विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी कहा है. ओके बेटा, ये ट्राइंगल. सो इसको हमें बनाना चाहिए था ऐसे ऐसे एंड देन ऐसे. ये ट्राइंगल एबीसी हमारे को दी गई है और ट्राइंगल एबीसी से जो पॉइंट सभी पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होता है वो होता है सेंट्रॉइड. सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड इज अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट from all the points. This is O. O is the centroid. A, B, C. दोबारा से फिगर बना दिया है. ओके बेटा, तो ऑल द पॉइंट्स आर गिवन टू अस एंड वी हैव टू फाइंड आउट द सेंट्रॉयड. ओ पॉइंट निकालना है तो उसको हमने एक्स वाई ले लिया है. वो सेंट्रॉयड कैसे निकलता है? वो निकलता है ऐसे एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू एंड एक्स थ्री वाई थ्री. x निकलेगा x1 वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री एंड y निकलेगा y1 वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री बाय थ्री. तो उनके बीच का एक सेंट्रॉइड निकलेगा. ओके बेटा, सो माइनस सो फोर प्लस थ्री माइनस वन बाय थ्री एंड वी आर गेटिंग सिक्स बाय थ्री, दैट इज थ्री. आप देखिए y1 वन वाई टू वाई थ्री लेंगे माइनस वन माइनस वन एंड माइनस सिक्स बाय थ्री. माइनस वन माइनस वन माइनस सिक्स हो गया माइनस एट बाय थ्री. सो हमारा एक्स आया थ्री एंड वाई आया माइनस एट बाय थ्री. ओके बेटा, सो नथिंग वॉज डिफिकल्ट इन दिस क्वेश्चन. आप बड़े आराम से कर सकते हैं. नॉलेज क्या होनी चाहिए? नॉलेज होनी चाहिए सेंट्रॉइड की. तो आपको तीन पॉइंट दे दिए एक ट्राइंगल के और कहते हैं कि एक ऐसा पॉइंट निकालो जो इक्विडिस्टेंट है इन तीनों पॉइंट्स के, तो वो होगा सेंट्रॉइड. और उस सेंट्रॉइड का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए. वो होता है एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाय थ्री एंड वाई होता है वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री बाय थ्री. ओके बेटा, तो अगर आपको सेंट्रॉइड की नॉलेज नहीं है यू कैन नॉट डू दिस क्वेश्चन. ओके बेटा. यस टेंथ क्लास. देखिए क्वेश्चन नंबर 4, वेरी सिंपल क्वेश्चन इट इज. थोड़ी थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए तो ये बड़े आराम से हो जाता है क्वेश्चन. इफ अ पॉइंट A इज अ पॉइंट ऑन y एक्सिस. एक A पॉइंट है y एक्सिस पे है. ये y डैश, ये x डैश आता है ना आपको ग्राफ की बातें. हुज ऑर्डिनेट इज 4. ऑर्डिनेट होता है y. ऑर्डिनेट 4 है y पे तो y पॉइंट होगा, x जीरो होगा. ये बेसिक नॉलेज आपको आनी चाहिए कि ये x एंड y में ये एब्सिसा होता है एंड ये होता है ऑर्डिनेट. ओके बेटा, और इस सारे को बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स. ओके बेटा, सो ये बेसिक नॉलेज इस क्वेश्चन में यूज हो रही है. अब देखिए, फिर एक और पॉइंट बता दिया माइनस थ्री वन. अब कहता है कि इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करो. अब डिस्टेंस फॉर्मूला तो आपको मालूम ही है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर अंडर द रूट. सो देखिए, जीरो माइनस ऑफ माइनस प्लस थ्री का होल स्क्वायर, फोर माइनस वन का होल स्क्वायर एंड वी आर गेटिंग थ्री स्क्वायर नाइन. थ्री स्क्वायर नाइन इज इक्वल टू रूट एटीन. नाइन इंटू जा एटीन होते हैं. थ्री को बाहर निकाले ना, नाइन को बाहर निकालेंगे तो थ्री बन के आएगा. थ्री थ्री जा नाइन हो गया ना, सो रूट टू. सो आंसर इज थ्री रूट टू. तो ए बी के बीच की डिस्टेंस क्या आई? ए बी के बीच की डिस्टेंस क्या आई? ये डिस्टेंस आई थ्री रूट टू. ओके बेटा, सो इट वॉज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. इफ यू हैव द नॉलेज ऑफ एब्सिस एंड ऑर्डिनेट एंड यू कैन इजिली फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ ए बी. ओके बेटा.
यस टेंथ क्लास। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। इफ 3 and 3/4 इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस पॉइंट, ये दोनों पॉइंट मैंने लिख दिए हैं और ये इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट हमेशा इन दोनों को जोड़ का आधा होता है। x1 + x2/2 y1 + y2/2 याद रखो मिड पॉइंट क्या होता है। देखो जैसे ए और बी है तो इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, a + b/2। ओके बेटा, सो अगर हम ये सी और ये डी लिख दें तो ये हो जाएगा c + d/2। ये दो मिड पॉइंट आ गए यहाँ पे x एंड y, राइट बेटा। तो आपको मिड पॉइंट की नॉलेज होनी चाहिए। मिड पॉइंट हमेशा बीच वाला पॉइंट होता है। सो देखिए अपने फॉर्मूले में फिट करते हैं, k + 7/2 = 3, ये हमारा x आ गया। देन 0 + 3/2/2 दैट इज कमिंग आउट टू बी 3/4। सो k की वैल्यू क्या आई, 6 - 7 एंड दैट इज कमिंग आउट टू बी -1। दिस इज आवर आंसर। हमें k ही फाइंड आउट करना था, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द k। सो इट वॉज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपको मिड पॉइंट की नॉलेज होनी चाहिए और वही लगा देंगे और के की वैल्यू निकाल देंगे। नथिंग वॉज वेरी डिफिकल्ट इन द क्वेश्चन एंड 2 मार्क्स में आ सकता है बड़े आराम से। ओके